नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पशु पक्षी पंछी किसे अच्छे नहीं लगते, सभी को ये बहुत ही भाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बातें हमारे सामने अनायास ही प्रकट हो जाती हैं, जिन पर विश्वास करना संभव नहीं होता। प्रखर गूंज का यही प्रयास रहता है कि वो अपने दर्शकों के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया लेकर आए। प्रखर गूंज आप सबके लिए पशु पक्षियों और जानवरों से संबंधित कुछ ऐसी ही रिपोर्ट लेकर आया है। जानते हैं क्या है वह रिपोर्ट। आशा करते हैं आपको वो रिपोर्ट अवश्य ही पसंद आएगी भी। पेंगुइन कहने को तो पक्षी कहलाता है, पर एक ऐसा पक्षी जो कभी उड़ नहीं सकता है। यह उड़ने की बजाय धरती पर चलता है और गहरे पानी में तैर सकता है। पेंगुइन स्फेनिस की डाई प्रजाति का जलीय समूह के उड़ने में असमर्थ पक्षी है, जो केवल दक्षिणी गोलार्ध विशेष रूप से अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। पेंगुइन काले और सफेद रंग के बालों वाला पक्षी है और उनके पंख ही उनके हाथ होते हैं। पानी के नीचे तैराकी करते हुए अधिकांश पेंगुइन पकड़ी गई छोटी मछलियों, स्क्विड और अन्य जलीय जंतुओं को भोजन बनाते हैं। वे अपना लगभग आधा जीवन धरती पर और आधा जीवन महासागरों में बिता देते हैं। पेंगुइन एक कुशल तैराक है। यह पानी में लगभग 900 फीट की गहराई तक आसानी से तैर सकता है। यह पानी में लगभग 20 मिनट तक अपनी सांस को भी रोके रख सकता है। दोस्तों, आज हम पेंगुइन के जीवन के कुछ रहस्यों को जानते हैं। पक्षियों की लगभग 40 प्रजातियों में से पेंगुइन एक ऐसा है जो उड़ नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, ये पक्षी माना जाता है लेकिन यह उड़ नहीं सकता। अन्य उड़ान रहित पक्षियों में रीज, कासोवेरियस, कीवीज, ऑस्ट्रिच और इमस शामिल है। अधिकांश उड़ान रहित पक्षी दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। इनकी सभी 17 प्रजातियां विशेष रूप से दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती हैं। सभी पेंगुइन और पक्षी प्रजातियों में से सम्राट पेंगुइन एप्टेनोडाइट्स फॉस्टर सबसे ठंडे वातावरण में प्रजनन करते हैं। हवा का तापमान 40 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच सकता है और हवा की गति 144 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अधिकांश पेंगुइन 5-6 मील प्रति घंटे की गति से तैर सकते हैं और कुछ में 15 मील प्रति घंटे की गति होती है। वे 1.7 मील प्रति घंटा और 2.4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। लगभग 50,000 में से एक पेंगुइन का जन्म काले की बजाय भूरे रंग का होता है। इन्हें इसाबेलिन पेंगुइन कहा जाता है। वह अन्य पेंगुइनों की तुलना में छोटा जीवन जीते हैं क्योंकि वे कम छलावरण वाले होते हैं और अक्सर संभोग नहीं करते हैं। दुनिया में सबसे दुर्लभ पेंगुइन येलो ओइड पेंगुइन है, जो न्यूजीलैंड और दक्षिणी पूर्वी तट और आसपास के द्वीपों में रहते हैं। सबसे तेज पानी के नीचे तैरने वाला पक्षी जेंटो पेंगुइन है, जो कि 22 मील प्रति घंटे यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक तैरने की क्षमता रखता है। पेंगुइन के दांत नहीं होते, उनकी खुराक मछलियां हैं जिसको वो सीधे निगल जाते हैं। इसकी बड़ी आबादी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना और दक्षिणी अफ्रीका जैसे देशों में पाई जा सकती है। कोई भी पेंगुइन उत्तरी ध्रुव पर नहीं रहता, यह अपना आधा समय पानी में और आधा जमीन पर बिताता है। सम्राट पेंगुइन सभी पेंगुइन प्रजातियों में सबसे ऊंचा होता है, जो ऊंचाई में 120 सेंटीमीटर यानी कि 47 इंच तक लंबा होता है। सम्राट पेंगुइन इस समय में लगभग 20 मिनट तक पानी के भीतर रह सकता है। किंग पेंगुइन दूसरा सबसे बड़ा पेंगुइन का नमूना है। उनके पास पंखों की 4 परतें होती हैं, जो उन्हें ठंडे उपांतार्कटिक द्वीपों पर गर्म रखने में मदद करती है, जहां वे प्रजनन करते हैं। चिन स्ट्रैप पेंगुइन ने अपने सिर के नीचे पतली काली पट्टी से अपना नाम प्राप्त किया। कभी कभी ऐसा लगता है कि वे एक काले हेलमेट पहने हुए हैं, जो उपयोगी हो सकता है क्योंकि वह पेंगुइन के सबसे आक्रामक प्रकार को माना जाता है। क्रेस्टेड पेंगुइन में पीले रंग के गड्ढे होते हैं, साथ ही लाल बिल और आंखें होती हैं। पीली आंखों वाले पेंगुइन या फिर
हाई हो न्यूजीलैंड के मूल निवासी लुप्त प्राय पेंगुइन हैं। उनकी आबादी लगभग 4000 मानी जाती है। लिटिल ब्लू पेंगुइन की सबसे छोटी प्रजाति है, जिसकी ऊंचाई लगभग 33 सेंटीमीटर यानी कि 13 इंच है। अंटार्कटिका में पेंगुइन भूमि आधारित शिकारी नहीं है। मछलियों का शिकार करते समय पेंगुइन अक्सर समुद्री जल को निकल जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों के पीछे एक विशेष ग्रंथि होती है जो सुप्रा ऑर्बिटल ग्रंथि है, जो उनके रक्त प्रवाह से खारे पानी को छान देती है। पेंगुइन अपनी चोटियों के माध्यम से या छींकने से इसे बाहर निकालते हैं। कुछ प्रजातियां अपने अंडे के लिए कंकड़ और ढीले पंखों से घोंसले बनाती है। सम्राट पेंगुइन एक अपवाद है। वह अपने पैरों के शीर्ष पर एक एकल अंडे का प्रजनन काल लेते हैं। त्वचा की ढीली तह के नीचे रक्त वाहिनियों की एकाग्रता के साथ एक पंख रहित क्षेत्र होता है जो अंडे को गर्म रखता है। कुछ प्रजातियों में नर पेंगुइन है जो कि अंडे सहते हैं, जबकि मादा एक समय में हफ्तों तक शिकार करना छोड़ देती है। पेंगुइन माता पिता और पुरुष और महिला दोनों ही कई महीनों तक अपने युवाओं बच्चों की देखभाल करते हैं, जब तक कि बच्चे अपने दम पर भोजन का शिकार करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाते। पेंगुइन या तो अपने पैरों के सहारे चलते हैं या फिर बर्फ पर अपने पेट से फिसलते हैं। एक चाल जिसे टोबोगैनिंग कहा जाता है, जो तेज चलने की स्थिति में ऊर्जा बचाती है। अगर वह और अधिक जल्दी चलना चाहते हैं या खड़ी चढ़ाई या चट्टानी इलाकों में जाना चाहते हैं, तो वह एक साथ अपने दोनों पैरों से कूदते हैं। वर्तमान में पाए जाने वाले पेंगुइनों में बड़े पेंगुइन ठंडे क्षेत्रों में निवास करते हैं, जबकि छोटे पेंगुइन आमतौर पर शीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय जलवायु में भी पाए जाते हैं। पेंगुइन को इंसानों से कोई विशेष डर नहीं लगता और वह बिना हिचकिचाहट के शोधकर्ताओं के समूह के पास आते हैं। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि जमीन पर पेंगुइन का अंटार्कटिक या पास के अपतटीय टापुओं पर कोई शिकार नहीं है। इसके बजाय पेंगुइन को समुद्र में लेपर्ड सील जैसे शिकारियों से खतरा है। आमतौर पर पेंगुइन 3 मीटर यानी कि 10 फुट से ज्यादा पास नहीं आते, क्योंकि इसके बाद वह परेशान हो जाते हैं। अंटार्कटिका के पर्यटकों को भी पेंगुइन से यही दूरी बनाने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, अभी आपने हमारी जानवरों से संबंधित, पशु पक्षियों पंछियों से संबंधित जो रिपोर्ट देखी है, आशा करते हैं आप सभी को वह पसंद आई होगी। यदि आपका हमारी रिपोर्ट से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। और अधिक ताज़ातरीन खबरों के लिए जुड़े रहें प्रखर गूंज न्यूज़ डेस्क के साथ।